हाय गाइस, मैं करण राज। रॉब देखे करंट रिएक्शन। आज इस पर रिएक्शन करने वाला भाई वो है अवेंजर वॉर, बोलते हैं इन्फिनिटी वॉर। जी हाँ, देख भाई दिल्ली के फैन भाई है और उन्होंने ये मुझे लिंक भेजा अवेंजर्स का कि इस पे भाई आप करो, बहुत लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि इसका पूरा दुनिया फैन है। ये तो हमको भी पता भाई कि पूरा दुनिया फैन है, लेकिन सपोर्ट तो हमको भी तो करना चाहिए ना। दुनिया का फैन अवेंजर तो है, ये करना सपोर्ट बनता है ना। तो भाई इसी बात पर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, हर वीडियो अब तक पहुंच जाए। तो गाइस बात करते हैं आयरन मैन की। जी हाँ, तो बोले तो टोनी स्टार्क, तो भाई उसका तो भाई वो तो पूरा टीम का एक गुरु ही है। उसका तो दिमाग ही बहुत चैप्टर दिमाग यार। और बोले तो हल्क, हल्क की फिल्म पूरा बवाल है क्योंकि अगर अवेंजर्स में हल्क ना हो तो भाई वो फिल्म बर्बाद हो जाती है, मजा नहीं आती देखने में। हल्के में ना सुना सुना लगता है क्योंकि वो रहता है पूरा हल्का मचाया जाता है वो। एंड थॉर, थॉर की बात किया जाए भाई, थॉर तो पूरा बवाल की तरफ बिजली के झटका देता है इस तरह से जैसे कि लगता है कि बारिश हो गया बिजली का। और भाई स्पाइडरमैन तो भाई उसका तो बात ही लगे, देहा हाँ वहाँ चढ़ना, ये वो करना। तो मुझे जितना 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 लोग अवेंजर्स जितने लोग हैं सब के सब बवाल के बला बवाल है। एंड हालांकि इंडिया में बहुत कम ही, मतलब कम ही बोलते कि इंडिया में ऐसे फिल्में बनती ही नहीं यार, क्योंकि उसका बजट पता नहीं होता है कि नहीं होता है, किसी बात डायरेक्टर पास होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन भाई अगर ऐसी फिल्म इंडिया में बनना स्टार्ट हो जाएगी भाई, तो भाई पूरा के पूरा बवाल हो जाएगी और इंग्लिश मूवी देखना भी लोग बंद कर देंगे, क्योंकि जब ऐसा फिल्म यहाँ बन ही गया तो वहाँ देखने की जरूरत है। ये तो इम्पॉसिबल, सिर्फ यहाँ छोटा मोटा ही बनता है जिसे बोलते क्रिश फ्लैंजेट, ये वो लेमड़ा थेमड़ा यही सब बनता रहता है। लेकिन गाइस मैं ज्यादा तौर पर मैं तो साउथ का इंग्लिश ही देखता हूँ मूवी, जैसे कि अवेंजर का हर एक पार्ट देखा, मुझे बहुत मजा आता देखने में यार उसकी। तो चलते हैं गाइस अपने रिएक्शन पे, उसके बाद ही थॉर के बारे में एंड पूरा जो अवेंजर्स पूरा टीम है कैप्टन अमेरिका से लेके दम आयरन मैन तक, एक मैन तक, सबका ही मैं नाम फिर से लूंगा। ऐसा नहीं यार, लेकिन मेरा तो टाइम ही खराब था। वो तो है, जब हरी भाई होंगे संग, ओके मुझे बस थोड़ा ध्यान लगाना होगा एक मिनट के लिए। कमॉन कमॉन यार राजा, अगर थैनोस को 6 मणि चाहिए तो तुम्हारे वाले का नामो निशान मिटा देते हैं। नहीं मिटा सकते, हमने कसम खाई है प्राण जाए पर समय मणि ना जाए। मैंने भी कसम खाई थी कि चीनी कम कर दूंगा, डाइट फॉलो करूंगा और डाइट कितनी चल? सिर्फ 2 घंटे। जानता था इनकी सुनोगे तो बस आध्यात्मिक सैंडविच मिलेगा। ये मिलता है? मुद्दे की बात यह है कि कसमें तोड़ी जा सकती, पर समय मणि के लिए हमारी कसम कभी नहीं टूटेगी। गुब्बारे बुलाने वाले के सामने इज्जत का मतलब है। सॉरी यार, या तो मुझसे हो नहीं रहा या वो होना नहीं चाहिए। आराम कर, इसका ख्याल रखना। थैंक यू। आज तुम धन्य हुए क्योंकि तुम्हारे तुच्छ जीवन से ब्रह्मांड का संतुलन। सॉरी, जो भी हो तुम, आज पृथ्वी का शटर डाउन है, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फूट लो यहाँ से। मणिधारक, ये पटर पटर करने वाला जंतु तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, ये आवारा है। अब तुम यहाँ बिना पूछे बिना परमिट के घुसाए, ये कह रहा बुधनी के फूट यहाँ से। क्या ले भाई, पायला को गुरुदेव छोड़े, तू कहाँ से है? बस यही से गुजरना पड़ा। हाय क्या है तू? ये भाई साहब इतना भड़के हुए क्यों है? ये एक एलियन है, ये यहाँ जादूगर का कीमती हार चुराने आया है। जवानी फूटी है, कुछ ज्यादा ही चर्बी आ गई है तुझमें। है खेलना बंद कर वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। ये बंदा अब तक जिंदा कैसे है? ये बंदा नहीं है, बंदा तू है। ये तो मर्द है, खूबसूरत मर्द, गबरू पहलवान। वो तो मैं भी। अरे किसे उल्लू बना रहा है क्विल, मुझे मोटापा चढ़ा है, मसल नहीं है। तुम तो इस जहाज के कप्तान लग।
बड़ी पार की नजर है आप। तुम एक महान कप्तान होगे। मेरे साथ डब्ल्यूएल के सफर पर चलेंगे हुजूर। अब जरा एक बार अपने कप्तान से पूछ लो। एक मिनट रुको, वो तो मैं ही हूँ। अवश्य चलेंगे। वाह जनाब। एक्सक्यूज मी, असली कप्तान तो मैं हूँ। खामोश। अरे यार मेरा बैग है। चुपचाप बैठ जा। और उसी वजह से हम इस उड़ते मेदू वड़े पर धरती से कोसों दूर आ पसे हैं, वो भी बिना बैकअप के। मैं हूं ना बैकअप। अपनी टूथड़ी बंद रखो। देख नहीं रहा बड़े बात कर रहे। सॉरी मैं समझा नहीं, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? क्या 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 मतलब क्या है? तुम इसकी आया हो क्या? नहीं, मैं पीटर हूँ। और आप? डॉक्टर स्ट्रेंज। ओ, डॉक्टर भी, जादूगर भी। तो मैं स्पाइडर भी, मैन भी। मैं यार डिटेल में प्लान बता रहा हूँ और तुम ओए कुछ पल्ले पड़ा मैंने क्या कहा? प्लान प्लान सुन के मेरे हेड में हेडेक होता है। लो इटा क्लब नई फिल्म बना रहे हैं। देखो प्लान के हिसाब से तो कभी नहीं चलते। तो फिर ये करते क्या है? कह कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। आओ मरो, मर जाओ जिन लोगों। तेरी ये बंदूक कितने में देगा? औकात में रहे। अच्छा तो फिर ये हाथ मुझे दे दे। अबे शादी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। समय और स्मृति बड़ी पृथ्वी पर सुरक्षित है अवेंजर्स के पास। अवेंजर्स पृथ्वी के महाबली हीरोज। जैसे सनी पाजी। हो सकता है वो टीम में हो, मैं बहुत वक्त से गया नहीं हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? समय मणि जा चुका है और अब हमारा भवन असुरक्षित है। तुम क्या करने वाले हो? मुझे जरा एक फोन करना है। गाइस एकदम बवाल थी और ये जो सीन थी पूरा बवाल में बवाल थी। एंड ये फिल्म भी जितना अवेंजर्स कैप्टन अमेरिका से लेकर आयरन मैन से लेकर अवेंजर पूरा के पूरे जो टीम है भाई सब के सब बवाल है एकदम। मेन तो भाई इसमें पूरा के पूरा जो मेन है वो है कैप्टन अमेरिका। जी हाँ भाई बहुत धमाल फिल्म थी यार। इतनी बवाल की लोगों के दिल जीत लिया था। एंड मतलब कि ये ऐसा फिल्म है कि लोग भुला नहीं सकते इसको। जी हाँ जैसे एक उरी मूवी थे बॉलीवुड में वो उसका मूवी है तानाजी, सब मूवी जैसे होती है भाई ये सब कोई मूवी बाहुबली सब मूवी सब मूवी ये सब भुलाई जिसने नहीं जाती ना, ठीक उसी तरह से ये अवेंजर्स मूवी जी अवेंजर्स टीम है किसी को कोई भुला ही नहीं सकता है। बहुत धमाल फिल्म थी यार, इतनी धमाल क्या बताएं। हालांकि जो फिल्म में सीन दिखाया गया है कि पूरा गुस्सा में आ रहा है लेकिन वो उनके अंदर के जो हल्क है जो निकल ही रहा है फिर बोलता है टोनी स्टार के शांत करो इसको रेस्ट करो थोड़ा सा। बहुत धमाल की कसम से। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको कौन सा है? तो गाइस बहुत धमाल फिल्म थी यार, इतनी बवाल थी। एंड जो डॉक्टर स्ट्रेंज थी भाई वो वाला जो राउंड जो निकलता है वो वाला एकदम बहुत था। डॉक्टर भी है बोलता है स्पाइडरमैन के ये बोलता मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ, बोलता मैं स्पाइडर मैन भी हूँ दोनों। कॉमेडी भी है इसमें एकदम बवाल एकदम धमाल बहुत शानदार फिल्म है यार। जब देखोगे दिल खुश हो जाएगा आपको। एंड हालांकि आप शायद देखे भी होंगे, जब आप देखे होंगे तो भाई फिर से ये फिल्म देखो बहुत मजेदार है। एंड यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो लोग नहीं देखे तो प्लीज भाई फिल्म जरूर ये फिल्म जरूर देखें। हिंदी में अवेलेबल है, बहुत धमाल फिल्म है यार। इतनी क्या मतलब बहुत हार्ड एकदम। आपको अगर लिंक नहीं भेजता है मिलता तो भाई हमको हमको ये करो व्हाट्सअप करो या इंस्टाग्राम पर करो फॉलो करो। मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नाम है करंट रिएक्शन। जी हाँ इकलौता में वहाँ पे हूँ करंट रिएक्शन है तो मैं आपको वहाँ लिंक कर इसका हिंदी और शेयर कर दूंगा। तो गाइस बहुत थमाली से सपोर्ट करते रहो। जैसे गाइस आप लोग जो भाई थे मुझे लिंक भेजे थैंक यू सो मच भाई, ऐसे सपोर्ट करते रहिए यार। और थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है, सब्सक्राइब करना भूलना मत यार। एकदम बिंदास रहो यार, बिंदास सब्सक्राइब करो, इस भाई को सपोर्ट करो यार। कितना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रभास सर के साथ या एनटीआर के साथ या थलापति विजय के साथ। पीस आउट।